नमस्कार दोस्तों, ये ओनिडा 40 इंच की एलईडी टीवी है। इसका ये जो बैकलाइट का ड्राइवर बोर्ड है, ड्राइवर बोर्ड में यहाँ पर देखें चार स्ट्रिप यूज किए गए हैं, दो नीचे साइड यानी टॉप साइड में ऊपर और बॉटम, दो दो स्ट्रिप यूज किए गए हैं। जो कि पहले जो लगा था इसमें वो लगा था 3 बोल्ट का और 56 LED, यानी टोटल हुआ 168 बोल्ट। लेकिन हमने जब इसमें बाद में चेंज किया तो वो 90-90 बोल्ट का एक ही स्ट्रिप में 2 पॉइंट था, जो कि हमने जो है उसे सीरीज में कर दिया, तो टोटल हो गया 180 बोल्ट। ठीक है, तो 168 पहले था, बाद में हमने जो है 180 बोल्ट का एक स्ट्रिप यूज किया। अब ये जो 1, 2, 3, 4, ये चारों एक एक स्ट्रिप के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब इसमें आपको एक जो ख़ास प्रॉब्लम आता है इसके वोल्टेज को घटाने बढ़ाने को लेकर, क्योंकि ये अगर जो है इससे मैच का नहीं होगा तो ये तुरंत प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। जब अधिक एम्पियर यूज किया जाए तो उस समय क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो इसमें देखिए हम एक और ऑप्शन बताते हैं जिससे आप इसके वोल्टेज एम्पियर को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। वो शॉर्टकट आइडिया यहाँ पे है कि जैसे एक स्ट्रिप के लिए एक ये है, दूसरा के लिए ये है, तीसरा के लिए ये है, चौथा के लिए ये है, यानी दो बॉटम और दो टॉप स्ट्रिप। ठीक है, अब इसको पहले हम दिखाते हैं कि कितना वोल्टेज यहाँ पे आउट हो रहा है। इसके लिए हम टीवी को ऑन करते हैं। और इसे ऑटो मोड पे करते हैं। मल्टीमीटर को देखें। एक सौ उन्यासी 179, यानी एक वोल्टेज कम है 80 में। ठीक है, अब इसको हम कम करते हैं। वोल्टेज को कम करने के लिए हम एक का हटाते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ से, और हटाने के बाद इसके वोल्टेज को हम टेस्ट आउट करते हैं। सॉरी, अभी सप्लाई नहीं दी है, सप्लाई दे देते हैं। और ये नेगेटिव यहाँ से और पॉजिटिव यहाँ से। अभी यहाँ पे 14.4 अभी ऑन हो गया, अभी 174 हो गया, यानी 89 था 80, अभी 6 वोल्ट यहाँ पे कम हो गए। ये एक का मैंने कम किया है, लेकिन बगल में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा 180 है, यानी जिसका हम कम नहीं किए हैं उसका 180 है। ठीक, और यहाँ पर दिखा दें, ये देखिए 174, यानी 6 वोल्ट कम है। तो इसी तरीके से यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप घटा सकते हैं। इसको हम और नज़दीक से दिखाते हैं। यहाँ पे ये 4 स्ट्रिप का सॉकेट दिया गया है जो टॉप और बॉटम में दोनों गया है। और सैमसंग का ये जो ड्राइवर बोर्ड है बैकलाइट, ये कई मॉडलों में यूज किया गया है, यानी सैमसंग में, ओनिडा में, तो ये आपको बहुत सारे जगह पे देखने को मिलेगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम था जो यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉल्ट था, हमने जो इसे सही किया है, और सही करने के बाद जो है यहाँ पे ये इशू आया था कि इसके वोल्टेज और एम्पियर को मैच कराना था, क्योंकि उससे कुछ ये अधिक वोल्टेज था तो इसको मैनेज करना था, इसलिए हमने जो है आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर किया। मैंने जो चेंज किया है इस समय, तो ये 90-90 वोल्ट यानी 90-90 था, तो इसको हमने सीरीज में करके टोटल 180 बनाया है। और ये दो टॉप साइड में लगे हैं स्ट्रिप और दो नीचे। ठीक है,
और पहले जो यहाँ पे यूज किया गया था वो था 3 वोल्ट का 56 LED, टोटल हुआ 168 वोल्ट। ये ना मिलने की वजह से हमने इसको यूज किया। अब इसके अनुसार हम इसके वोल्टेज और एम्पेयर को मैच कराएंगे। अब जैसा कि ये LED है तो इसलिए कहीं कहीं पे अवेलेबल नहीं होता, तो इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो बाद में ये मिला हमको, तो हमने जो है इस टाइप से इसको डिज़ाइन किया, तो ये जो है हमारा वर्क कर गया। एक कमेंट था कि यहाँ पे डेटा शीट के हिसाब से हमको बताना था कि कौन सा हमने पेयर कैंसिल किया। तो हम आपको बता दें कि हमने जो इसके पहले 2 वीडियो बनाए हैं वहाँ पे सारा पिन का डिटेल दिया है, और ये ऑड और इवन का जो हमारा 4 वाला ये पेयर है इसे हमने दोनों दोनों को कैंसिल किया है। उस व्हाइट बोर्ड में जाकर इसका डिटेल देख सकते हैं और इसे और जूम करके दिखा सकते हैं, ठीक है। और डेटा शीट से ज़्यादा बेटर रहेगा ये, यहाँ पर देखें जैसे 1 2 3 4, इन्हीं चारों को हमने कैंसिल किया है, ठीक है, और बाकी इसमें सारे यूज किए गए हैं। इसमें देखेंगे RXE4 लिखा हुआ है, तो ये RX के बाद जो E है ये है इवन 4। जैसे यहाँ पर लास्ट में यहाँ देखेंगे तो ये 3 हुआ, और 3 के बाद जो नंबर आता है वो आता है 4। तो ऑड और इवन का दोनों का अलग अलग जो 4 पॉइंट है उसे हमने यहाँ पे कैंसिल किया है। ये आपको इसलिए जी बता रहे हैं कि इसको आप देखेंगे तो जैसे ये माइनस है 4 और ये 4+ है, फिर ये ऑड है यानी एक्स के बाद जो वो लिखा हुआ है ये ऑड 4 माइनस, ये ऑड 4+, ये चारों हमने जो है कैंसिल किया है। अब इस मदरबोर्ड को चेंज करने के साथ साथ इसमें अगर आडियो का आपको चाहिए तो ये आडियो यहाँ से काट के यूज कर सकते हैं। इसके लिए इसकी सप्लाई अलग से यहाँ पर दी गई है जो यहाँ पर लगेगा, ठीक है, तो इस आडियो को काट कर यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे बैक लाइट ऑन ऑफ का ये ब्राउन वाला वायर जो है ये है पॉइंट, ठीक है, यहाँ से ब्राउन वायर हमने जो है इसको ऑन ऑफ के रूप में, बैक लाइट का जो ऑन ऑफ होता है यहाँ पर देखें ये ऑन लिखा हुआ है, ये 12 वोल्ट के बगल में और एडजस्ट के बगल में, यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे इसे ज्वाइंट कर दिया है ये, तो ये बैक लाइट को ऑन ऑफ करने का काम करेगा। बाकी LVDS के सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे Full HD का है, इसे हमने इसके रेजोल्यूशन के हिसाब से फिक्स ज्वाइंट कर दिया है। इस सेट में एक और प्रॉब्लम आता है, ये अंदर से इसके सॉकेट में जो है लूज कांटेक्ट हो जाता है, जिससे ये जो है कभी कभी सेट ऑफ भी हो जाता है। तो इसको हम अभी तो फिक्स कर दिए हैं, नीचे हम इसको डायरेक्ट काट के ज्वाइंट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें कनेक्टर में भी ये लूज कांटेक्ट और कार्बन का फॉल्ट आता है, जिससे हमारी जो TV है ऑफ ऑन होने का जो प्रॉब्लम इशू आता है इस सॉकेट से आता है। इस पावर सप्लाई में ज़्यादातर प्रॉब्लम इस कैपेसिटर को देखने को मिलता है, और हमने यहाँ पर इस कैपेसिटर को चेंज भी किया है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इसमें अगर ज़्यादा दिनों से अगर यूज किया गया सप्लाई है तो उसमें ये फिल्टर जो कैपेसिटर है ये फॉल्ट देखने को मिलता है।